बाली एक ब्यूटीफुल आइलैंड है और ये मेनली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बाली, जहां आपको बहुत ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलेंगे। सेकंड है सेंट्रल पार्ट ऑफ बाली, जहां पर आप देख सकते हो लश ग्रीनरी, टेंपल, आर्ट मार्केट, पैलेस और बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जहां आप हिल्स, लेक, टेंपल, राइस टेरेस, वाटरफॉल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हो। उस जगह का नाम है उबुद। उबुद एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सीरेन प्लेस है, जहां नेचर, कल्चर और एडवेंचर का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। मोस्टली लोग उबुद इसलिए जाते हैं क्योंकि उबुद इज द सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर, क्यूजीन एंड बालीनीज ट्रेडिशन इन बाली। इसके अलावा उबुद इज अ होम ऑफ बाली स्विंग एज वेल। अब बात करते हैं हाउ टू रीच उबुद। उबुद पहुंचना बहुत आसान है। सिटी सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 मिनट का टाइम लगता है उबुद पहुंचने में। उबुद जाने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हो। हम सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रैब या गोजेक से टैक्सी हायर करें, क्योंकि ये काफी रीजनेबल रेट पर आपको मिल जाएगी। ग्रैब या गोजेक एक ऐप है, जैसे इंडिया में ओला या उबेर ऐप है, ठीक वैसे ही बाली में ये दोनों ऐप चलते हैं। और उबुद पहुंचने के लिए ये एक चीप और बेस्ट ऑप्शन है। आपको अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1000 रुपीज लगेंगे उबुद जाने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा लगेज नहीं है तो आप बाइक रेंट करके भी जा सकते हो। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन काफी कम है, इसलिए हम आपको टैक्सी या कैब ही रेकमेंड करेंगे। अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन उबुद। उबुद में आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उबुद में होम स्टे से लेकर विला, बजट होटल, हॉस्टल एंड लग्जरी होटल्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये सब आपको अलग अलग प्राइस में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसेंट रेट में मिल जाएंगे। हॉस्टल्स आपको बिटवीन 400 टू 500 में पड़ जाएगा, बजट होटल्स आपको 1000 टू 2500 में मिल जाएगा एंड होम स्टे 1500 टू 2000 के रेंज में मिल जाता है। थ्री स्टार होटल्स आपको अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3500 में पड़ते हैं एंड फाइव स्टार होटल या विला आपको 4000 एंड अबो में मिलेगा। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि बाली में कहाँ स्टे करें या कौन से बेस्ट होटल्स हैं, उसका हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में जाके। उबुद पहुंचने के बाद लोकल ट्रेवल करने के लिए आप बाइक रेंट कर सकते हो। बाली में बाइक रेंट करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। जनरली बाली में बाइक रेंट करने की कॉस्ट 350 से 600 के बीच में वेरी होती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी बाइक रेंट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको बाइक से ट्रेवल नहीं करना है तो आप 2000 टू 3000 रुपीस के बीच में टैक्सी भी हायर कर सकते हो, या फिर आप ग्रैब या गोजेक से भी लोकली एक्सप्लोर कर सकते हो। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एज कपल जा रहे हो तो बाइक रेंट करना बेस्ट एंड चीप ऑप्शन है, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो टैक्सी रेंट कर सकते हो। इस वीडियो में अभी तक हमने आपसे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब बात करते हैं उबुद में ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करनी चाहिए, या ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो और अपनी बाली की ट्रिप को मेमोरेबल बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उबुद आने का मतलब है लोकल कल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपीरियंस लेना, और इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है उबुद आर्ट मार्केट। ये मार्केट उबुद सिटी सेंटर के पास ही लोकेटेड है और बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उबुद में दो आर्ट मार्केट है, एक ओपन एयर है और दूसरा क्लोज मार्केट है। दोनों मार्केट एक दूसरे के आमने सामने ही लोकेटेड है और बेसिकली सेम सामान ही बेचते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी लोकल शॉप्स देखने को मिलेंगी जो हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड बालीनीज ट्रेडिशनल आइटम्स बेचते हैं। आप इस मार्केट को विजिट कर सकते हो और यहाँ से कुछ यूनिक गिफ्ट्स ले सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, और यहाँ बार्गेनिंग अलाउड है, सो डू नॉट हेसिटेट टू नेगोशिएट। शॉपकीपर्स जो भी रेट बोल रहे हो उसका 30-40% रेट ही आप कोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा रेट बोलेंगे और आपको ओवरचार्ज करने की कोशिश करेंगे। बाली की एक बहुत ही फेमस चीज है जिसकी वजह से बाली जाना जाता है, वो है राइस टेरेस। बाली में आपको चारों तरफ राइस प्लांटेशन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही यूनिक हैं। और उबुद में एक ऐसी ही ब्यूटीफुल प्लेस है जिसका नाम है तेगलालेंग राइस टेरेस। ये प्लेस अपनी स्टनिंग राइस टेरेसेस के लिए फेमस है जो स्टेप फार्मिंग के थ्रू बनाई गई है, और अगर आप नेचर लवर हैं तो ये प्लेस आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट है फेमस बाली स्विंग। बाली में आपको बहुत सी प्लेसेस में बाली स्विंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे फेमस है अलासहरम और अलोहा। यहाँ आपको ड्रेस के साथ साथ फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे। अलासहरम थोड़ा कॉस्टली है बट एक्सपीरियंस इज वर्थ इट। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे एक्सट्रीम स्विंग, कपल स्विंग, बेड स्विंग, जो आपको ड्रेस के साथ ऑन एन एवरेज 4000 के आसपास पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्विंग एंड ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप राइस टेरेस के साथ साथ स्विंग एंजॉय करना चाहते हो तो हम इस प्लेस को हाईली रिकमेंड करेंगे आपको।
और अलास हरुम की हमने एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप मंकी फॉरेस्ट भी विजिट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे मंकीज मिलेंगे आपको जो काफी फ्रेंडली हैं। जस्ट बी केयरफुल विथ योर बिलोंगिंग्स। हमने इस प्लेस को स्किप किया था क्योंकि हमारे साथ हमारा 3-year-old बेबी था एंड दिस प्लेस इज नॉट रिकमेंडेड टू गो विथ किड्स। बाली हिंदू एंसिएंट टेम्पल्स के लिए काफी फेमस है और यहाँ आपको एवरी 500 मीटर में एक टेम्पल तो जरूर देखने को मिलेगा। उसमें से एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है तीर्थामपुल टेम्पल, जो अपनी होली स्प्रिंग के लिए फेमस है और अप्रोक्सीमेटली 1000-year-old टेम्पल है और ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल भी है। यहाँ लोग प्यूरिफिकेशन के जरिए अपनी नेगेटिविटी को दूर करने आते हैं और शांति को प्राप्त करने आते हैं। जिस तरह हमारे इंडिया में गंगा जी का स्नान किया जाता है, उसी तरह बाली में होली वाटर स्प्रिंग में प्यूरिफिकेशन सेरेमनी की जाती है। बेसिकली लोग यहाँ के पानी में स्नान करके अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। आप जब यहाँ जाएंगे तो उनका पूरा प्रोसीजर फॉलो करके स्नान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और पीसफुल एक्सपीरियंस है। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप इस टेम्पल को जरूर विजिट करें। इसके अलावा उबुद में और भी टेम्पल्स हैं, जैसे सरस्वती टेम्पल, तीर्थ गंगा टेम्पल, गोवा गजा टेम्पल, लेकिन इन सब में एक बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है उलंदानू टेम्पल। ये टेम्पल एक लेक के बीच में बना हुआ है और यहाँ का व्यू बहुत ही सीरीन और ब्यूटीफुल है। उलंदानू बरातन टेम्पल बाली के नॉर्दर्न साइड में बरातन लेक के ऊपर बना है और ये जगह आपको मैजिकल फील देगी क्योंकि ये टेम्पल लिटरली पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ये टेम्पल बालीनीज कल्चर और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है और ये धनु देवी को डेडिकेटेड है जो वाटर गॉडेस है। तो ये प्लेस नेचर, बालीनीज कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप उलंदानू बरातन टेम्पल विजिट करने आए हैं तो वहाँ से 1 kilometer के डिस्टेंस पर लोकेटेड है हंडारा गेट। हंडारा गेट आपको बाली के पोस्ट कार्ड एंड इंस्टाग्राम फोटोज में जरूर देखने को मिलेगा। ये गेट एक गोल्फ कोर्स का एंट्री वे है जो लश ग्रीन माउंटेन्स और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के बीच में बना है। हंडारा गेट को बाली के कल्चरल हेरिटेज और स्टनिंग आर्किटेक्चर का सिंबल माना जाता है। ये प्लेस बहुत ही पीसफुल और पिक्चर परफेक्ट है। अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं तो ये प्लेस परफेक्ट स्पॉट है आपके लिए। ये गेट ट्रेडिशनली बालीनी स्टाइल में बनाया गया है और आपको यहाँ की एनर्जी और वाइब दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव लगेंगी। सो मेक श्योर टू एड दिस प्लेस टू योर लिस्ट, स्पेशली फॉर सम ग्रेट फोटोज। आप यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो और कुछ अमेजिंग मेमोरीज भी बना सकते हो। बट इस प्लेस को विजिट करने का एक ड्रॉबैक है, यहाँ पिक्चर क्लिक कराने के लिए बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम होता है। हमें यहाँ 2-3 hours लगे थे पिक्चर क्लिक कराने के लिए। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो डोंट मिस आउट ऑन दिस आइकॉनिक स्पॉट। उबुद में कई सारे ब्यूटीफुल एंड हिडन वाटरफॉल्स हैं। आपको उबुद में हर जगह बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, स्मॉल वाटरफॉल्स से लेकर बड़े वाटरफॉल्स तक। उसमें कुछ पॉपुलर वाटरफॉल्स भी हैं जैसे तेगनुंगन वाटरफॉल, लेके लेके वाटरफॉल, कैंटोलैम्पो वाटरफॉल एंड नुंगनुंग वाटरफॉल। हमने इनमें से 2 वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया था, तेगनुंगन वाटरफॉल एंड नुंगनुंग वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तेगनुंगन वाटरफॉल काफी पॉपुलर है और उबुद के पास ही लोकेटेड है। यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट, रिफ्रेशिंग वाटर, नेचुरल स्विमिंग पूल और एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। ये वाटरफॉल एक परफेक्ट स्पॉट है स्विमिंग एंड रिलैक्सेशन के लिए। वाटरफॉल के पास ही एक पूल है जहाँ आप चिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून आना चाहिए टू अवॉइड द क्राउड एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर स्विम सूट। नुंगनुंग वाटरफॉल थोड़ा सेक्लेडेड है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन जब आप वाटरफॉल तक पहुंचेंगे तो व्यू वर्थ इट है। ये वाटरफॉल बहुत ही मेजेस्टिक और पावरफुल है। आपको यहाँ का सेरेन और अनटच्ड एनवायरनमेंट बहुत पसंद आएगा। यहाँ का वाटर काफी कोल्ड है और रिफ्रेशिंग है, आपको थोड़ा एडवेंचरस फील होगा, लेकिन ये वाटरफॉल काफी रिवॉर्डिंग है। तेगनुंगन वाटरफॉल और नुंगनुंग वाटरफॉल, ये दोनों ही वाटरफॉल मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था और हम ये दोनों ही प्लेसेस हाईली रिकमेंड करेंगे आपको। तो
ये था हमारा पूरा उबुद का टूर गाइड। आप यहाँ पर आराम से 3 days एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम है तो 4 to 5 days भी आप यहाँ इजिली स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि उबुद में काफी कुछ है एक्सप्लोर करने को। वी हाईली रिकमेंड कि जब भी आप बाली का ट्रिप प्लान करो तो मैक्सिमम टाइम आप उबुद में ही रहो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आप हमारी ट्रैवलिंग फैमिली में नहीं जुड़े हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय ट्रैवलर्स।